Hey guys, what's up? I hope you're doing well. So इस वीडियो में अपन रिव्यू करेंगे मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज चलेंगे। मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजिकल या मेटेरियल्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? आप लोगों को मेटेरियल्स के बारे में पता होगा, लाइक एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, राइट? ये सारे मेटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं और आप ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं तो आप इसी के स्टडी करते हैं, राइट? सब कुछ इसका मतलब ए टू जेड इसके स्टडी करेंगे मटेरियल्स के बारे में। और इन जनरल मटेरियल्स के बारे में मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन वाले भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्री में भी पढ़ते हैं, राइट? ऑटोमोबाइल वाले भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। तो ये सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, बट इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे जितना आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं और एक वीडियो बना के दूंगा कौन कौन से सिलेबस, मतलब सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप इस ब्रांच में, बताऊंगा। मैंने इस ब्रांच के बारे में पूरा डिटेल्स रिव्यू बना के नहीं रखा था इतने अच्छे से, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम अगर बात करते हैं, ये पता नहीं ये कहाँ से व्हाइट व्हाइट से आ रहे हैं, बट अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में विच विल बी क्वाइट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉर यू। वो क्या है आपका कि मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या है? देखो, दो चीजें इससे रिलेटेड होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए नए होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक होता है मेट्रोलॉजी, वो अलग चीज होता है, वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, और एक है मेट्रोलॉजी। जो आप पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? कोई भी मेटल का उसका फिजिकल और केमिकल स्पेसिफिकेशन चीजें के बारे में स्टडी करना हो, क्या बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, एलॉय के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और उनको हो सकता है नया एलॉय लेके आते हैं मार्केट में जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और स्ट्रेंथ में अच्छा होता है, मतलब यूज के हिसाब से काफी अच्छा एलॉय मार्केट में लेके आते हैं, समझ रही हो? ये जो आप देखते हैं आप लोग यूज करते हैं, ये भी एलॉय टाइप का ही है, मतलब एल्यूमिनियम का हो सकता है, बट इसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ मटेरियल्स मिक्स करके कुछ नया चीज लाते हैं, वो मार्केट में भी तहलका मचता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एलॉय व्हील है, 10-15 साल पहले देखेंगे इतना, 15 साल पहले इतना यूज नहीं था, स्पोक वाला चलते थे। अब क्या एलॉय व्हील का हर बाइक के जो रिम होते हैं वो एलॉय के होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे चेंजेस होते हैं। तो बात करते हैं, ये ब्रांच बेसिकली बहुत कॉमन नहीं है, राइट? लोग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजिकल मेटेरियल्स इंजीनियरिंग बेसिकली एनआईटीज, आईआईटीज और कुछ टॉप कॉलेजेस में मिलता है, तो इसलिए रिव्यू के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जाने उस ब्रांच के बारे में, क्या इसका आपको आउटकम मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स, बिकॉज 4 साल बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए लोग जाना चाहते हैं। और वीडियो में आपको पता लग जाएगा सब कुछ, मैं आपको प्लेसमेंट ही बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्लेसमेंट चल रहा है अभी आईआईटीज में, कितना प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं? ये एनआईटी तिरची है, एनआईटी जो है आपका टॉप पर है, फिर आईआईटी में चलेंगे तो इसका देख सकते हैं आप ईयर वाइज प्लेसमेंट क्या चल रहा है। ए एम एम ई है, मेट्रोलॉजिकल एंड मेटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो अभी जो रिसेंट डेटा इनके पास है 2021 का है, राइट? 21-22 का इनके पास अपडेट नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा अपडेट मेरे हिसाब से वेरी सुन। तो 92% बच्चों का जॉब इनकी तरफ से लगा है। मैं और एक देता हूँ आपको, आपका प्लेसमेंट कहाँ गया, जो आपका आईआईटी आपका भुवनेश्वर है उसका देता हूँ आपको। एमएमई है, परसेंटेज 94.4% है, मैक्सिमम पैकेज कितना है 30 लाख्स है, और लोएस्ट सीटीसी कितना है 9, एवरेज कितना है 13.5 लाख का। अगर मैं जो कंपेरिजन करूँ सिविल के साथ तो बेटर है, कैसे बेटर है वो बात करेंगे हम। मैकेनिकल 15 है, इलेक्ट्रिकल का 20 है, ईसीई का 21 है और सीएससी का 22 है। डेफिनेटली सीएससी का, ईसीई का इनका ऊपर रहता है, मैंने ये वीडियो में बता रखा है। इलेक्ट्रिकल थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच है, फिर फोर्थ मैकेनिकल। तो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कहीं कहीं और एक चीज आप देखेंगे, केमिकल ब्रांच का भी बोल सकते हो काफी जगह पर, मैक्सिमम जगह पर, हालांकि एनआईटीज में देखा सिविल से अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं बहुत जगह पर, सब जगह पर नहीं बोल सकता बट बहुत जगह पर देखा मैंने। तो इसके बारे में अगर आप चाहते हैं एक वीडियो बनाओ मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट जो है मैकेनिकल की जस्ट बात है, इसके पीछे रीजन क्या है? पहले देखिए, ये आपका जो दो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट अच्छे कॉलेजेस में हो जा रहा है, 94% अगर परसेंटेज देखोगे मैकेनिकल से ज्यादा है प्लेसमेंट इनका, सिविल से काफी ज्यादा है, सब मतलब क्या जॉब्स तो लग रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, जो 4 साल बाद पता लगेगा, वो क्या है, इनके जो जॉब लोकेशन होते हैं
वो बहुत रिमोट एरिया में होते हैं इन जनरल। कुछ कुछ कंपनीज मिलेंगे, जैसे टाटा नगर में इनके कंपनी मिलेंगे आपको, बट जैसे सेलमैन का जॉब होगा, जहां पर मेटेरियल्स की बात है वहां पर इनकी नौकरी होगा। प्राइवेट या वेदांता में हो सकता है आपका नौकरी इनका, समझ रहे हो? जहां पर जो भी कंपनी मेटेरियल से डील करती है उन कंपनीज आपका नौकरी लग सकता है, पीएसयूज हो, प्राइवेट कंपनी हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या कोई भी कंपनी हो। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज क्या है, जो जॉब लोकेशन होगा बहुत अच्छा नहीं होगा, दूसरा चीज। तीसरा चीज, जॉब के जो वर्किंग कंडीशन होंगे, अगर आप ऑपरेशन में है, एसी रूम में है तो चलता है, अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो इतना अच्छा आपको वर्किंग एनवायरमेंट मिलेगा नहीं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने का चांसेस है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस फील्ड के। देखो, मेरे काम है आपको सब कुछ बताना, आपका काम है फिर डिसीजन लेना सब कुछ लेके। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बताऊंगा तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, समझ पा रहे हो? दैट इज व्हाई आई लाइक इट, बिकॉज मुझे लगता है सब चीज बताना चाहिए आपको। कोई ऐसा चीज जो आपको शायद डिमोटिवेट करे, मैं यहां बताऊं तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में। आपको ये मान लो 4 साल पढ़ने का पता लगेगा तो कैसे लगेगा, बोले यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो ये था आपका बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, पीएसयूज में होते हैं, और हो सकता है आरआरबी में, आई थिंक सो दे अलाउ, बट एसएससी जेई में होता नहीं है, यूपीएससी में इनका मैकेनिकल से आपको देना पड़ेगा, राइट? और बहुत ज्यादा बाकी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है लगभग इनके वैकेंसी, राइट? तो ये चीज है, तो दो तीन जगह पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज इनके हैं, बट अगर अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, अगर आपको ये नेगेटिव पॉइंट नेग्लिजिबल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कुछ और चाहिए इससे रिलेटेड मुझे बताइएगा, आई होप सो मैंने कवर कर दिया है जो आपको चाहिए होता है। एक मैं सिलेबस कवर करूंगा, सिलेबस आप लोग को चाहिए वो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि सिलेबस क्या होता है एमएमई का, सो दैट यू कैन एबल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग दिस। तो ये था पूरा मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल एंड मेटेरियल्स इंजीनियरिंग का रिव्यू। आई होप सो आपको समझ में आया चीजें क्या है, मैंने आपको प्लेस में बता दिया क्या नेगेटिव पॉइंट क्या पॉजिटिव पॉइंट है, राइट? एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।